नमस्कार, जय माता दी। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि मेरू रिंग को धारण क्यों करना चाहिए या क्या फायदे होते हैं मेरू रिंग को धारण करने से। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरू रिंग कितनी फायदेमंद होती है और कितने सारे इसके लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी दूं कि हर इंसान अपने जीवन में ना सुख समृद्धि को पाना चाहता है, लेकिन हर इंसान का भाग्य किस्मत एक जैसी नहीं होती। कभी कभी भाग्य इतना कमजोर हो जाता है कि जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। देखिए, हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। हम कहीं ना कहीं इतना प्रयत्न कर रहे होते हैं अपने काम में, लेकिन जो परिणाम है हमें अपने प्रयत्न के अनुरूप नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या हम ये कह लें कि जो हमारा एक आत्मविश्वास जो उस काम के लिए है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब मन अनुकूल नहीं रहता, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो उसके विपरीत क्या होगा? उसके विपरीत सिर्फ यही होगा कि हमारा जब काम में मन ही नहीं लगेगा, और जब काम में मन नहीं लगेगा तो हमारी जो रोजगार है या हमारा जो काम है उसमें बरकत कैसे होगी। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत के साथ साथ जो हमारा भाग्य है वो भी हमारा साथ देना चाहिए, तभी हमें परिणाम पूरे मिलते हैं। बस यही बातें होती हैं, यही हमें कुछ सोचते हैं हम अपने मन में कि हम ऐसा क्या करें जो हमारी जो किस्मत है वो अच्छी हो जाए। हर व्यक्ति धनवान नहीं होता, जिस तरीके से हर व्यक्ति की किस्मत एक जैसी नहीं होती, उसी तरीके से ईश्वर हर किसी की किस्मत में पैसा नहीं लिखता। हर व्यक्ति धनवान नहीं होता, और जब धनवान नहीं होता तो उसको अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब परेशानी सामना करना पड़ेगा और उस जीवन यापन को बहुत तरीके से चलाने के लिए, या उस कष्ट को जो धन के अभाव के कारण आ रहा है उसको कैसे दूर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कर्जा लेगा। जब वो कर्जा लेगा तो वो कर्जे से दबता चला जाएगा, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है, यश ही नहीं है जीवन में, तो वो क्या कर सकता है। इसीलिए ये जो मेरू रिंग है आपके कर्जे को दूर करती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पर काम करती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस मेरू रिंग के क्या क्या फायदे हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरू रिंग है वो वास्तु के अनुसार बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है। कहते हैं कि जब मेरू रिंग को धारण करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि जो कछुआ है पानी में रहता है, पानी क्यों, कछुए को बहुत शांत स्वभाव का माना गया है, एक पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी का एक प्रतीक माना गया है। इसीलिए जब हम मेरू रिंग को धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा, बहुत ज़्यादा जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बनती चली जाती है। दूसरा, ये जब हम मेरू रिंग को धारण करते हैं, जो हमारे पास जो धन का अभाव हो रहा है, या हम जो भी अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब मेरू रिंग को आप धारण करेंगे, आप देखेंगे अगर आपके जीवन में, शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे कलेश हो रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि बात तलाक तक पहुँच गई है, अपने मन में शांति ही नहीं है, उस पर भी मेरू रिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरू रिंग को आप धारण करेंगे, आप देखेंगे कि जो संपत्ति है, जो धन है, धन संपत्ति और पॉजिटिविटी आपके पास ऑटोमेटिकली चुंबकीय तरीके से खींची चली आएगी, क्योंकि जो मेरू रिंग है वो लक्ष्मी जी की उस पर कृपा बनी रहती है। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जब आप मेरू रिंग को धारण करेंगे तो आपको कितने सारे लाभ मिलेंगे, आपके धन से लेके, आपके सुख समृद्धि से लेके, आपके ग्रह कलेश से लेके, आपकी पॉजिटिविटी से लेके, कितने सारे फायदे होते हैं इस मेरू रिंग के। तो क्यों ना आज ही इसको धारण करें, और जो समस्या आपके ऊपर बनती चली जा रही है उससे धीरे धीरे आप कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।